नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी स्टॉक में रैली को समर्थन जुटाना चाहते हैं। वे अक्सर एक सकारात्मक सहसंबंध बनाते हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने की संभावना निवेशकों के बीच घबराहट पैदा कर रही है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी BTC 62,500 डॉलर के निशान के आसपास मंडरा रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3.2% की गिरावट के साथ 78,600 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। एक दिलचस्प खबर में स्पॉट बिटकॉइन ETFs का नवीनतम डेटा एक अलग कहानी सुझा रहा है। 26 अप्रैल 2024 को समाप्त हफ्ते के दौरान US में बिटकॉइन स्पॉट ETFs ने नेट फ्लोस में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव का अनुभव किया। इसी के साथ इन ETFs ने 328 मिलियन डॉलर्स का मैसिव वीकली नेट आउटफ्लो दर्ज किया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभावित गिरावट के बाद की गिरावट से बचने के लिए अपने BTC पोजीशंस में थोड़ी कटौती की। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की मजबूत कमाई के प्रदर्शन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की मांग की उम्मीद को बढ़ा दिया है। इससे आने वाली तिमाही में टेक अर्निंग्स को समर्थन मिलता रहेगा। इमीडिएट टर्म मार्केट का ध्यान इस हफ्ते के अंत में फेड मीटिंग और जॉब्स डेटा पर बना हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि एल्यूसिव US इंटरेस्ट रेट और स्टिकी इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स को सोना और बिटकॉइन खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा स्पॉट बिटकॉइन ETFs देश के सबसे बड़े एक्सचेंज ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर अपने मुख्य बोर्ड की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये परिवर्तन आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पेंशन मार्केट द्वारा संचालित किया जा रहा है। 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट ETF इंडस्ट्री के एक्सपेंशन में एक फैक्टर हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एसेट मैनेजमेंट फर्म फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने अपने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फ्रैंकलिन इथेरियम TR इथेरियम ETF को डिपॉजिटरी ट्रस्ट और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है। DTCC वेबसाइट की क्रिएट रिडीम कॉलम ETF को लिस्ट करता है, जो क्रिएशन और रिडेम्पशन के लिए इसकी उपलब्धता दर्शाता है। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 3% कम होकर 2.31 ट्रिलियन डॉलर्स पर थी। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 9% बढ़कर 57 बिलियन डॉलर्स हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इथेरियम नेटवर्क पर गैस फीस 6 महीने के निचले स्तर पर गिर गई। हाल ही में वीकेंड में ईथर की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई हो। सेंटिमेंट के डेटा के अनुसार 27 अप्रैल को इथेरियम ट्रांसलेशन के लिए एवरेज फीस 1.12 डॉलर्स तक कम हो गई। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ने सुझाव दिया कि कम गैस फीस इथेरियम नेटवर्क एक्टिविटी में भविष्य में तेजी का संकेत दे सकता है और एक ऑल्टकॉइन रैली की शुरुआत का संकेत दे सकता है। अलग से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने टोर्नेडो कैश के को-फाउंडर रोमन स्टॉर्म के खिलाफ साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए तर्क दिया कि फाइलिंग ने जूरी के विचार के लिए विवादित तथ्यों को उठाया है, जो प्रारंभिक चरण के प्रस्तावों के लिए अनुपयुक्त है। इस बीच मार्केट को अमेरिकी ट्रेजरी की पुनर्वित्त घोषणा से रिलोड मिलने की उम्मीद है, जिससे 3 महीनों की उधार आवश्यकताओं और ट्रेजरी जनरल अकाउंट में रखी जाने वाली शेष राशि का विवरण 1 मई को दिया जाना है। ट्रेजरी जनरल अकाउंट में रखरखाव या गिरावट रिस्क की एसेट्स को ट्रिगर कर सकती है। US स्टॉक फ्यूचर्स में अधिक ट्रेड हुआ, क्योंकि ट्रेडर्स का ध्यान कॉर्पोरेट अर्निंग्स की लेबर डेटा और फेडरल रिजर्व मीटिंग्स पर केंद्रित है। इंडेक्स से जुड़ा फ्यूचर्स 0.27% बढ़ा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.28% बढ़ा, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.38% बढ़ा। बिटकॉइन 2.3% की गिरावट के साथ 62,350 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा था। ETH समान समय अवधि में 4.2% की गिरावट के साथ 3,180 डॉलर्स पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 2.5% की गिरावट के साथ 586 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना का SOL 6.3% की गिरावट के साथ 134 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ED टोकन 5.3% की गिरावट के साथ 0.44 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 6% की गिरावट के साथ 33 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगोनमैटिक 5.1% की गिरावट के साथ 0.7 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। डोजकॉइन 6.2% की गिरावट के साथ 0.14 डॉलर्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसी के साथ शिबा इनू में 6.5% की गिरावट देखी गई। आगे बढ़ते हुए रिपल का XRP टोकन 4.2% की गिरावट के साथ 0.5 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। पोलकाडॉट का डॉट टोकन 5.7% की गिरावट के साथ 6.5 डॉलर्स पर ट्रेड करता नजर आया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3Doto TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worsttv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
3.0 टीवी स्टे कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. OpenAI, an artificial intelligence company co-founded and helmed by Sam Altman, is reportedly in partnership talks with Tools for Humanity's WorldCoin, a cryptocurrency-based universal basic income and identity verification firm also co-founded by Sam Altman. But Bloomberg recently reported that the two firms are in negotiations for a partnership that would see OpenAI providing AI solutions and services to WorldCoin with the possibility for further synergy down the road. Any partnership between OpenAI and WorldCoin would almost certainly draw additional regulatory scrutiny given Altman's status within both firms. LSE Consulting, a firm anchored within the London School of Economics and Political Science, recently released a report detailing a potential path towards European dominance in the emerging Web 4.0 sector. According to the team, the formation of an Airbus-style industrial conglomerate dedicated to fostering innovation and growth in the metaverse is the EU's best bet to compete with the US, China and other global sector leaders and potentially exploit Europe's current technological and economic potential. Well, Airbus is a multinational conglomerate that was formed when a trio of French, German and Spanish aerospace companies merged in 2000. So since 2019, it's been the world's leading manufacturer of both airlines and helicopters. Its relevancy to the metaverse market, according to LSE Consulting, is in its cross-border incorporation and company focus on ensuring Europe remains the dominant player in international aerospace market. The United States Department of Justice has opposed a motion to dismiss conspiracy and money laundering charges against Tornado Cash co-founder Roman Storm, arguing that filing raised disputed facts for jury consideration, which is unsuited for early stage motions. So in the DOJ's response, the prosecutors analyzed why the Tornado Cash co-founder should answer for the alleged crimes levied against him. The DOJ contested the defense's categorization of Tornado Cash, noting it was introduced in 2019 as a crypto mixer. So the service comprises a website, a user interface, a set of smart contracts, and a network of relayers. The DOJ accused Roman Storm and fellow developer Roman Semenov of conspiring to commit money laundering, operating an unlicensed money transmitter, and violating sanctions by creating Tornado Cash, a crypto mixing service. US authorities claim that entities like North Korea's Lazarus Group used Tornado Cash to launder funds.